हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब फंडा क्लब में। जैसा कि दोस्तों आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने इंडिया मार्ट की साइट खोल कर रखी हुई है। तो फ्रेंड्स, आज की जो मैं जॉब अपडेट लेकर आई हूँ ये इंडिया मार्ट में आई है दोस्तों, और ये वर्क फ्रॉम होम है। टोटली आप लोगों को घर से काम करना है फ्रेंड्स। दोस्तों, मैंने आप लोगों को उसकी साइट दिखाई थी फ्रेंड्स, तो जैसा कि अब आप लोग मेरे थंबनेल को देख रहे हैं कि इसमें वर्क फ्रॉम होम है, पार्ट टाइम वर्क है दोस्तों, और यहाँ पर आप सैलरी 25,000 तक कमा सकते हैं दोस्तों, अगर आप अच्छे से काम करें तो। और फ्रेंड्स, इसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग जान ही गए हैं कि ये वर्क फ्रॉम होम है। और दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि मतलब वैकेंसी में करना क्या है, कौन कौन से काम है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, सारी चीज़ों की बात करेंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो में आगे बढ़ो दोस्तों, इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने अपने चैनल जॉब फंडा क्लब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को मेरे इस चैनल पर, चाहे वो टीचिंग जॉब हो, नॉन टीचिंग जॉब हो, वर्क फ्रॉम होम हो, या ऑनलाइन कोई सर्टिफाइड कोई कोर्सेज होते हैं, या स्टूडेंट्स के लिए कोई काम होता है, सारी चीज़ों की जानकारी, पीएचडी की नोटिफिकेशन से लेकर के यूजीसी की अपडेट तक, सारी चीज़ों की जानकारी दोस्तों आप लोगों को अपने आपके इस चैनल जॉब फंडा क्लब पर मिलती है दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल यूज़फुल लगता है तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ के देखेंगे कि ये वैकेंसी आई कहाँ पर है। इसके लिए आप लोगों को एकदम आराम से समझना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी आई कहाँ से है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट इस साइट पर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर चीज़ें दिखिए मतलब मेंशन है। देखिए, इंडिया मार्ट की तरफ से वैकेंसी आई है, टोटली है वर्क फ्रॉम होम है दोस्तों, नॉन सेल जॉब है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को जॉब डिस्क्रिप्शन की पहले बात कर लेती हूँ। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होने वाली है वो देख लीजिए आप लोग। तो इसमें लिखा है कि बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट B2B प्लेटफॉर्म, ओके देन उसके बाद प्रोग्राम हाइलाइट्स, इसमें मतलब आप लोगों को क्या क्या है। देखो, वर्क एज अ फ्रीलांसर, वर्क फ्रॉम लोकेशन ऑफ योर चॉइस, आप जिधर से भी काम करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं, टोटली वर्क फ्रॉम होम है दोस्तों। अगर इनकेस जैसे मान लीजिए आप मुंबई के रहने वाले तो मुंबई का लोकेशन सेलेक्ट कीजिए, या आप किसी अदर स्टेट के रहने वाले हैं तो अदर स्टेट का लोकेशन सेलेक्ट कीजिए दोस्तों। उसके बाद है वर्क और योर ओन शेड्यूल, मतलब यहाँ पर आप लोगों को कोई प्रेशराइज नहीं करना दोस्तों। अक्सर देखिए, हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें प्रेशर होता है कि नहीं इतने इतने टाइम में आपको काम करके देना है, बट यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर अपना शेड्यूल बना सकते हैं कि आप कब से कब तक काम करना चाहते हैं। और यहाँ पर जो है मेथड होने वाला है पेमेंट का, वो आपका वीकली पे आउट होने वाला है, जिस हिसाब से आप अपना काम करेंगे उस हिसाब से आपको वीकली पे आउट किया जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और अच्छी है, यहाँ पर एडिशनल इंसेंटिव्स मिलेंगे। अगर आप अपना काम आउटपुट बहुत अच्छा दे रहे हो, आउटपुट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आपको इंसेंटिव्स भी मिलेंगे दोस्तों। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि वॉइस बेस्ड है यहाँ पर कॉलिंग प्रोसेस। जैसा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम आप ऐसा काम बताइए जिसमें वर्क फ्रॉम होम टाइपिंग हो या वर्क फ्रॉम होम कॉलिंग हो, तो दोस्तों ये कॉलिंग बेस्ड जॉब है। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि आपको यहाँ पर एज अ फ्रीलांसर काम करना है, आप अपने शेड्यूल में काम कर सकते हैं, वीकली पे आउट होने वाला है और आपको कॉलिंग पर काम करना है दोस्तों। ओके, अब हम देख लेते हैं कि इसमें आपका मेन रोल होने क्या वाला, मतलब एग्जैक्टली आपको करना क्या है दोस्तों। इसमें अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी आप लोगों को, आप लोग वीडियो में बने रहें। तो जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है कि यहाँ पर है कि आप लोग, और दोस्तों यहाँ पर एक बात याद रखिए कि ये ऐसे काम है जिसमें आपको कोई टारगेट नहीं है, क्योंकि लोग घबराते हैं कि अरे कॉलिंग बेस है तो इसमें टारगेट होगा, टारगेट बनाना पड़ेगा, तो नहीं। यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी टारगेट नहीं होने वाला आप लोगों को। देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है इन्होंने कि दिस इज़ नॉट अ टारगेट बेस्ड सेल्स प्रोसेस, ये टारगेट बेस्ड काम नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, मैं जैसे स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को इंडिया मार्ट की साइट दिखाई थी, तो वहाँ पर आपने प्रोडक्ट्स देखे थे, तो उस प्रोडक्ट्स में कैसा होता है कि यहाँ पर अमेजॉन फ्लिपकार्ट की तरह आप लोग एक प्रोडक्ट बाय नहीं करते, यहाँ पर बल्क में प्रोडक्ट्स मतलब बाय किए जाते हैं। तो वो जो प्रोडक्ट आप लोग बाय करेंगे, आप लोग इन द सेंस जो लोग भी उस साइट पर जाकर बाय करते हैं, उनके बीच में और इंडिया मार्ट के मतलब उन कस्टमर्स जो कस्टमर्स खरीदते हैं उनके बीच में, बायर और सेल्स के बीच में आप लोगों को बोलते हैं ना कम्युनिकेशन बना के रखना है, कनेक्शन बना के रखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग जैसे उन्हें कोई प्रोडक्ट पसंद आता है, वो उसके बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कुछ भी चाहते हैं, तो उसकी चीज़ें आप लोगों को इंडिया मार्ट की कंपनी में जाएंगी, फिर वहाँ से आपको उनसे कॉन्टैक्ट करके आपको बात करनी है दोस्तों फ़ोन पर। तो देखिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं, एज एन ऑनलाइन एसोसिएट यू विल असिस्ट इंडिया मार्ट बायर्स ओवर कॉल, ओके। तो जो बायर्स होंगे उनको आपको असिस्ट करना है। यू विल बी रिक्वायर्ड टू वेरीफाई इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बायर एंड अपडेट द सेम ऑन द पोर्टल, तो आपको वो बायर लोगों से इन्फॉर्मेशन लेनी है और उसे अपडेट करना है।
उसके बाद है दिस इज़ नॉट अ टारगेट बेस्ड सेल्स प्रोसेस, तो इसमें कोई भी टारगेट नहीं है, तो आप लोग रिलैक्स हो जाइए. फिर उसके बाद है ऑल यू नीड इज़ गुड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल. यहाँ पर आप लोगों के पास वर्बल कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश में भी अच्छी होनी चाहिए और हिंदी में भी अच्छी होनी चाहिए. तो ये भी याद रख लीजिए, बहुत सारे लोग इंग्लिश का सोचकर भाग जाते, तो नहीं, यहाँ पर हिंदी भी चलेगी फ्रेंड्स. उसके बाद आप लोगों को काम करना है, तो यहाँ पर आपका लैपटॉप डेस्कटॉप विथ वेबकैम एंड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी. तो आपके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप पर आप काम कर रहे हैं, तो आपका वेब कैमरा होना चाहिए उसमें, और आपको एक अच्छी इंटरनेट कम्युनिकेशन मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए. जाहिर सी बात है, वर्क फ्रॉम होम है. उसके बाद है कि एन एवरेज एसोसिएट वर्किंग 8 से 10 घंटे अ डे अर्न अबाउट ₹15,000 to ₹25,000 पर मंथ इन दिस प्रोग्राम. अगर आप यहाँ पर करते हैं, अगर आप बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो आप 15,000 से लेकर 25,000 तक कमा सकते हैं दोस्तों. और एडिशनल इंसेंटिव्स बेस्ड ऑन द क्वालिटी आउटपुट ऑफ योर सर्विस. जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अगर आप लोग अपना आउटपुट अच्छे से देते हैं, आप लोग काम बहुत अच्छे से करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को इंसेंटिव्स भी मिलेंगे दोस्तों. और इसके बाद है वर्क आउटपुट एंड इट्स क्वालिटी डिटरमाइंड हाउ मच यू मेक आउट ऑफ दिस प्रोग्राम. मतलब आपका काम करने का तरीका बताएगा कि आप कितना अच्छे से कर सकते हैं. तो अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग सिलेक्शन, तो फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है. तो यहाँ पर आप लोगों को उनका एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा. तो घबराइए नहीं, एप्टीट्यूड टेस्ट इंडियन मतलब इंडिया मार्ट का जो है वो थोड़ा आपके एप्टीट्यूड पर बेस्ड होगा, आपके इंटरेस्ट वगैरह पे बेस्ड होगा. तो वही एप्टीट्यूड टेस्ट देना है. उसके बाद ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग असेसमेंट होने वाला है, यानी कि आप लोगों को ऑनलाइन इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करना पड़ेगा उनसे. और अगर आप अदर रीजनल लैंग्वेज जानते हैं, तो आप जैसे कि हिंदी जानते हैं, तो आपको हिंदी में भी इंटरव्यू उनसे देना पड़ेगा, ताकि वो लोग आप लोगों की लैंग्वेज समझ सके. तो मैं अब समझती हूँ कि आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ गया, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या होंगे, क्योंकि अक्सर आप लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं ऑनलाइन जॉब फेक ना हो दोस्तों. तो देखिए, एकदम वैलिड है, इंडिया मार्ट जैसा कि सभी जानते हैं काफ़ी ट्रस्टेड है. तो देखिए यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट होने वाली है उस डॉक्यूमेंट्स की, यहाँ पर एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड चाहिए, आईडी प्रूफ में आपको पैन कार्ड चाहिए, और बैंक डिटेल चाहिए जिसमें कैंसिल चेक, बैंक स्टेटमेंट और पासबुक. मतलब ये तीनों में से कोई एक चीज़ है, तो बैंक डिटेल आपको वहाँ पर देनी है. और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है, फिजिकली चैलेंज्ड है, तो आप लोगों के पास अगर उसका सर्टिफिकेट है, तो आप उसका सर्टिफिकेट दे सकते हो. तो यहाँ पर है इफ़ एप्लीकेबल, अगर मैंडेटरी मतलब अगर है आपके पास तो आप दे सकते हैं. तो यहाँ पर याद रखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में आपको एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है, इंग्लिश स्पीकिंग असेसमेंट होने वाला है, उसके बाद मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में फ्रेंड्स क्या चाहिए, एड्रेस प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड, आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, बैंक डिटेल और ये सर्टिफिकेट. और उसके बाद है अप्लाई नाउ टू ग्रॉब एन अपॉर्चुनिटी, आपको जो अप्लाई करना है दोस्तों. तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि रोल, यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया कि एसोसिएट मतलब एसोसिएट करना है आप लोगों को, और सैलरी उसके बाद कि, और दोस्तों देखिए यहाँ पर लिया है कि अगर एक्सपीरियंस 1 to 6 years का है, तो ये मैंडेटरी नहीं है. आप फ्रेशर्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं. और यहाँ पर देखिए ऐसा कोई भी चीज़ नहीं मेंशन है कि आपने इतनी ही पढ़ाई क्यों नहीं चाहिए. आप ग्रेजुएट है, 10th pass है, 12th pass है, खाली आपके पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों. और देखिए अप्लाई करने के लिए आपको, जब आप मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, उस पर आएंगे और जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे आप, तो देखिए दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये naukri.com से ये मतलब इन्फॉर्मेशन आई है, naukri.com पर अपडेट हुई है. तो उस ऐप को डाउनलोड करके आप वहाँ से इंडिया मार्ट सर्च करके आप इस वर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों. होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी. अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है फ्रेंड्स, तो आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आप लोगों का जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी दोस्तों. और एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो 10th pass है 12th pass है और ग्रेजुएट है, अभी फिलहाल कुछ कर नहीं रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट है या कोई housewives हैं जो कुछ नहीं कर रही हैं अभी, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों. तो वेट मत करिए, अप्लाई कर दीजिए इसमें जल्दी से जल्दी, और जेन्युइन भी है फ्रेंड्स. तो चलिए अब मैं आप लोगों से मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों. और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, और जिन लोगों ने कर लिया है उसके लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. और मैं मिलूंगी अगली वीडियो में. ऑल द बेस्ट एंड गो अहेड.